साइंस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो बताएंगे कि इंडियन सीट वाला 2x2 का टायर्स किस प्रकार से लगाते हैं, तो वीडियो कंटिन्यू देखिए तभी समझ आएगा। तो धन्यवाद, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमको, मसाला को और फंटी को स्पीड लेवल से देख लेना है, आइडिया कर लेना है कि हमको इस साइड से हाइट करना है, यानी कि ढाल हमको चाहिए कि बाथरूम का जो पानी गिरे ये बाहर पानी नहीं गिर सके। इसके लिए हमको स्पीड लेवल से देख लेना है, हाइट करके मसाला बिछा देना है। ठीक, अब उसके लिए अब चलेंगे हम पीस काटने। तो पीस काटने के लिए हमको सीधा देखना पड़ेगा दोनों तरफ से कि हमारा कितना आ रहा है, और गुनिया करना पड़ेगा। तो हमारा जितना आ रहा है उससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा काटेंगे। अब आप सोच रहे हैं जब 2x2 का टाइल्स है तो हमको आगे छोटा पीस क्यों दिया जाता है, ये तो सवाल में आपके मन में बैठ रहा होगा, या नए मिस्त्री हो या पुराने मिस्त्री। तो 2x2 का टाइल्स है तो हमको आगे साइड में ये टुकड़ा पीस इसलिए देना पड़ रहा है ताकि जब हम ढाल बनाए तो हमारा ढाल प्रॉपर बन सके और कोना काटने की आवश्यकता ना पड़े। जब छोटा सा पीस रहेगा तो हम उसके बाद वाला पीस को थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से हाइट किया जाएगा तो दोनों टाइल्स बेंड हो जाएगा और हमारा ढाल बिल्कुल प्रॉपर बन पाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पीस, चलिए हम इसको मसाला बिछा दिए हैं, अब इसको भी कटिंग करके आपके सामने पेश करते हैं। देखिए हमने मापी ले लिया है, अब कटिंग करेंगे। टाइल्स से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आप जाके लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये हमारा ये वाला पीस थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। और मसाला को एडजस्टमेंट करना है इस प्रकार से कि हमारा जो पानी है, हाइट है, ये जो पीस हमने फर्स्ट वाला पीस लगाया है उसके सापेक्ष लगाना है। देखिए इस सीट में काफ़ी मसाला कम आ रहा है इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। देखिए 2 बार 3 बार हमको मसाला बिछाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मसाला का जो है ना कॉन्क्रीट जब करता है लोग, राजमिस्त्री लोग बड़ी गलती करता है लोग, राजमिस्त्री लोग को कंक्रीट करने से 1 इंची ऊपर करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या पोजीशन है पूरा सटा के कंक्रीट किया है लोग, तो इसमें हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, काम ही किया जिसमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमने स्पीड लेवल से रख के देख लिए हैं कि हमारा जो पीस है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। देखिए पट्टा से भी हमारा ठीक आ रहा है। अब इधर से थोड़ा सा कम स्लोप मिल रहा था, थोड़ा सा और स्लोप को बढ़ा देंगे, यानी कि हमको कम से कम 1 सेंटीमीटर हमको स्लोप चाहिए कम से कम, ताकि पानी फास्ट से गिरे। क्योंकि कोई टट्टी करने जाएगा तो थोड़े इंतज़ार करेगा कि पानी भाई साहब की धीरे धीरे गिरे, नहाना नहीं ना है। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा सा स्लोप देना है, तो स्लोप हमने ज़्यादा दे दिए हैं। इसके पश्चात अब इस साइड का पीस आएगा, तो इस साइड का भी पीस का हम इस पीस को फिट करने के पश्चात देखिए अप डाउन कर रहा है। तो इसके लिए मसाला देखिए काफ़ी पतला आ रहा है मसाला, तो इसमें दिक्कत हो रहा है क्योंकि एक साइड सड़ जा रहा है, एक साइड से उड़ जा रहा है। तो हमारा ये पीस प्रॉपर बैठ चुका है, अभी हम घोला नहीं डालेंगे क्योंकि जब तक हम पूरा पीस अच्छी तरीक़े से मसाला से और टाइल्स को मैच मिला नहीं लेते हैं तब तक हम घोला नहीं डालेंगे। ये बाथरूम का सीट डालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, नए मिस्त्री हो या पुराने मिस्त्री, कोई भी मिस्त्री के लिए बाथरूम का इंडियन सीट में टाइल्स डालना डिफिकल्ट है, और उसमें भी ये 2x2 का है। तो चलिए अब इस साइड से भी हम मार्किंग ले लेते हैं। तो हमारा जो मार्किंग है उसको टाइल्स पे रख के हमने कटिंग कर लिए हैं, अब इसको भी मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए काफ़ी मसाला जीरो आ रहा है इसमें भी, तो चलिए मसाला को एडजस्टमेंट कर देते हैं। मसाला एडजस्टमेंट करके आगे वाला पीस हम डालेंगे। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यदि हमारा जहाँ कहीं भी पीस नहीं मिलता होगा 2x2 का तो वहाँ पे हमको कोना काटना पड़ेगा। देखिए हमारा स्पीड लेवल ये सही है,
और हमको स्पीड लेवल से देखते रहना है लेवल कि हमारा जो बाथरूम का जो टाइल्स डाल रहे हैं तो ढाल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर गलती हो जाता है, ढाल उल्टा पुल्टा होता है तो टाइल्स उखाड़ने का पोजीशन आ जाता है। ये देखिए क्या हो रहा है, क्या मामला फंस रहा है, ये हमारा जो टाइल्स है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरो मसाला देने के बावजूद भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए ये मैचिंग ही नहीं कर रहा है, ये पीस तो काफ़ी परेशान किया है हमको। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले मसाला सारा एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं, यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसका भी उपाय है। तो ये लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो इसके लिए हमको सोचना विचारना नहीं है, सीधे इसको बिछा के कटिंग कर देना है इस ज्वाइंट के हिसाब से। तो हमने कटिंग कर दिए, अब इसको भी हमने कटिंग कर दिया। हमारा चारों साइड से पीस लगभग ख़त्म हो चुका है, मिला दिए हैं, अब लास्ट वाला पीस है इसको, चलिए गुनिया लेकर हमको इसको कटिंग कर देना है। देखिए गुनिया लेकर इसको कटिंग कर देना है, देखिए काफ़ी जीरो मसाला आ रहा है, देखिए बहुत ही कम मसाला आ रहा है। देखिए हमने इसको भी कटिंग करके गुनिया मिला दिया है, इसमें कोई नई दिक्कत आई है। अब बीच में क्या होता है दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाला बात है, बीच में बारीक तरीक़ा से हम जब इसमें पाइप डालाता है तो उसको हमको 4 इंची इस साइड से और उस साइड से 4 इंची का पीस कटिंग कर देना है, ताकि जब प्लम्बर मिस्त्री पाइप डाले तो हमको बुलाने की आवश्यकता ना पड़े, टाइल्स मिस्त्री के बुलाने की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद अपना काट के पाइप डाल सकता है लोग। तो चलिए हमने ये बना दिया है पाइप डालने वाला, उसको हम फिट नहीं करेंगे आज, जब प्लम्बर मिस्त्री उसमें पाइप डालेगा तभी वो फिट हो पाता है। तो दोस्तों अब हम बीच से स्टार्ट करेंगे, बीच से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बीच में मसाला एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए गोला डालने के बाद क्या आपके सामने प्रक्रिया होगा, देखिए काफ़ी पतला है, मसाला ही नहीं है। तो चलिए इसको हम ठोक लेते हैं, बीच से ही पहले हमको ठोकना पड़ेगा। देखिए ये हमारा पीस बैठ चुका है, और साइड वाला पीस को उसी प्रकार हम ठोकेंगे। देखिए साइड वाला पीस में थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं, अब इसके पीस को भी हम डाल देते हैं। देखिए ये पीस भी हमारा फिटिंग हो चुका है, जो टाइम लगता है दोस्तों वो आपको कटिंग में टाइम लगता है, ये वाला बाथरूम कम से कम 2 से 2.5 घंटा टाइम लग जाएगा, कोई भी आदमी होगा, कोई भी कितना भी बड़ा मिस्त्री होगा तो यदि सही ढंग से काम करेगा तो कम से कम 2-2.5 घंटा में तो ये लगेगा ही। तो ये हमारा पीस फिटिंग हो गया, अब इधर से भी बीच वाला पीस हम फिटिंग कर लेते हैं। देखिए इधर से भी हमने बीच वाला पीस उठा लिया है, अब इसको पर घोला डाल के इसको भी हम फिनिश कर देते हैं। तो इसको भी हम ठोक दिए, इसको भी हमने फिटिंग कर चुके हैं, अब 2 पीस बचता है आगे का और 2 पीस पीछे का। तो चलिए पहले पीछे वाला पीस हमको फिटिंग कर देना है। देखिए पीछे वाला पीस को भी उठा कर हम क्या करते हैं, गोला डाल के उसको भी फिट कर देते हैं। टाइल से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो, हमसे काम करना चाहते हैं तो मोतिहारी से हमें कंसल्ट कर सकते हैं, मोतिहारी की आजू बाजू 30 किलोमीटर के अंदर में हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए ये पीस हमारा फिटिंग हो गया, पूरा चारों साइड से हमारा जब पीस फिटिंग हो जाएगा तो मेन फ्रंट वाला पीस बाकी रहेगा। तो चलिए मेन फ्रंट वाला को भी उठा कर देखा जाए क्या स्थिति है, स्थिति तो काफ़ी ठीक है। तो थोड़ा सा मसाला जहाँ कम है वहाँ मसाला डाल के हमने गोला डाल दिया है और इसको भी फिटिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए क्या होगा, सीढ़ी कैश कटिंग का आने का संभावना है, क्योंकि कल सीढ़ी कैश कटिंग हम डालेंगे तो हो सकता है कल सीढ़ी के स्कार्टिंग के बारे में आपको जानने और सुनने को मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।